वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 17.05 पे क्लोजिंग दे चुका है यस बैंक लिमिटेड स्टॉक। मीन्स तकरीबन 5 पैसे की गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर, क्योंकि देख सकते कि कल जो तेजी देखने को मिली थी उसी के अपोजिट आज हल्की सी वीक मूवमेंट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी यहाँ पे देखा जाए तो 17.10 लेवल थी। आज ओपन भी फ्लैट हुआ था स्टॉक, जैसे ही ओपन हुआ गिरावट देखने को मिली थी। मीन्स प्रीवियस जो क्लोजिंग है पूरे दिन भर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट होता हुआ नजर आ चुका था स्टॉक में। और यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे एंड ऑफ द डे में क्लोजिंग दे चुका था स्टॉक। मीन्स यहाँ पे देख सकते कि मार्केट कैप की बात की जाए तो 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 42,000 करोड़ के ऊपर स्टेबल है। पी रेशो 38 जो कि हाई बनता जा रहा है, दिन ना दिन स्टॉक जैसे ऊपर जाएगा तो पी रेशो भी हाई बनते जाएगा। तो बाकी के जो डिटेल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो हाई 17.25 का बना चुका है स्टॉक। तो रिसेंटली देख सकते हैं स्टॉक की यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर नभी नज़र डालेंगे, पर पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो स्टॉक 3% ऑफ है लास्ट 5 डेज में। और यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम जो है 7 करोड़ 89 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टोटली। आज यस बैंक के अंदर ट्रेडेड वैल्यू जो है 13,452 लाख की है। तो एंड ऑफ द डे में देखा जाए तो बाइंग के लिए ज़्यादा क्वांटिटीज थी, पर यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन अवेलेबल नहीं था। तो चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते स्टॉक 17 लेवल को तो ब्रेकआउट दिया है, पर उसी के ऊपर सेटल होता है स्टॉक तो देख सकते कि ऊपर जाने के जो चांसेस है बढ़ जाएंगे। जैसे कि कल यहाँ पे बुलिश कैंडल थी, वॉल्यूम भी था, आज भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ऊपर सेटल होता है तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।